नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे एमडॉट स्टूडियो में लिस्ट व्यू क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट व्यू बेसिकली होता है, जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये मान लीजिए एप्लीकेशन है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट वाला। इसमें दोस्तों हम लोगों को बहुत सारे आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे ये हो गया ए नाम से इसका नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर रहता है, और ये दोस्तों बी हो गया सी डी ई एफ, मतलब ये एकदम चलते रहता है दोस्तों। बहुत सारे कॉन्टैक्ट हमारे नंबर में सेव रहता है। तो दोस्तों इसकी मदद से हम लोग लिस्ट व्यू के माध्यम से इसको हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो इसको आप स्वाइप करते रहिएगा तो वो आते जाएगा। तो लिस्ट व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, एक आता है रिसाइकल व्यू, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं लिस्ट व्यू एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे यूज करेंगे। लिस्ट व्यू होता है दोस्तों, लिस्ट अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा तो उसमें आपको लिस्ट का ऑप्शन, लिस्ट भी पढ़े होंगे, उसी का यूज करके हम लोग जावा में लिस्ट व्यू को यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे यूज करते हैं लिस्ट व्यू को एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को और वाइजर को, जो कि मैंने अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके रखा हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे लिस्ट व्यू के लिए, तो इसका नाम मैं लिस्ट व्यू ही रख देता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी के साथ यहाँ से चलेंगे, नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लिस्ट व्यू ऐप, इस तरीके से इसका नाम रख देते हैं, जो पैकेज है या रहने देते हैं, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा बिल्ड होने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड स्टूडियो एकदम बिल्ड होके कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक दो पेज खुला है दोस्तों, मैन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी डॉट मैन डॉट एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं एग्जाम्पल फाइल में हम लोग डिजाइन करते हैं, तो यहाँ जो टेक्स्ट व्यू है पहले से उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों लिस्ट व्यू कहाँ मिलेगा। तो लिस्ट व्यू आपको मिलेगा ये जो लिगेसी रहता है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे लिस्ट व्यू। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पे सिंपल है सर्च कर दीजिए लिस्ट व्यू, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर ला दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसको कंस्ट्रेंट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इसको एक आई डी दे देते हैं, जिसे लिख देते हैं माई लिस्ट व्यू, लिख देते हैं लिस्ट व्यू। तो ये हो गया दोस्तों, हमारा लिस्ट व्यू इंप्लीमेंट हो गया। अब दोस्तों हम लोग को इसमें इसको जावा में कनेक्ट कर लाऊंगा, तो यहाँ पहले हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं प्राइवेट लिस्ट व्यू, माय लिस्ट व्यू, इस तरीके से हम लोग दोस्तों माई लिस्ट व्यू नाम से एक वेरिएबल बना दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको जावा में एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं माई लिस्ट व्यू। माई लिस्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट व्यू। ये हो गया दोस्तों हमारा काम कंप्लीट। यहाँ से हम लोग लिस्ट व्यू को कनेक्ट कर लिए। अब जो आता है दोस्तों हम लोगों को क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाना होगा, ताकि दोस्तों इसमें जितने भी डाटा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए बहुत सारा डाटा, तो उसको आप लोग जाने होंगे जावा लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो उसको एरे के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे एरे भी एक बनाना होगा। तो एरे लिस्ट होता है दोस्तों, एरे लिस्ट क्या होता है यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ए डबल आर ए वाई एरे लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एरे लिस्ट आ गया, ये जावा का क्लास है का है। तो हम लोग एरे लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस एरे लिस्ट में क्या पास करना, स्ट्रिंग लिख देना है इस तरीके से कुछ। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस एरे लिस्ट का कुछ नाम भी देना होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट नेम के लिए, हम लोग इस लिस्ट व्यू में सेव करेंगे तो स्टूडेंट नेम दे देते हैं।
स्टूडेंट नेम, इस तरीके से हम लोग इसका नाम दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इस तरीके से हम लोग ये इनिशियलाइज हो गया। अब दोस्तों इस स्टूडेंट नेम में हम लोगों को इस स्टूडेंट नेम में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ डाटा भी ऐड करना हो, ताकि जो कि स्क्रीन ये लिस्ट व्यू में शो करे। तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, स्टूडेंट नेम डॉट ऐड, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ सोनू कुमार यादव, आप लोग अपना नाम लिखें, और भी नाम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट नेम डॉट ऐड, इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्म में हम लोग सेव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, इसी को मैं 4-5 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जितना चाहे उतना लिस्ट व्यू में डाटा शो कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये काफ़ी हो गया, इसको रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस ये जो एरे लिस्ट बनाया है, इसको हम लोगों को लिस्ट व्यू में सेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, पहले एक एडेप्टर क्लास बनाना होगा, एरे एडेप्टर। एरे एडेप्टर क्या है दोस्तों, ये एंड्रॉयड का क्लास होता है, जो कि दोस्तों जावा के एरे को एंड्रॉयड के एडेप्टर के साथ कनेक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पर एरे एडेप्टर बना देते हैं। एरे सिंपल आप लिखते जाइए, जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एरे एडेप्टर, इसमें भी स्ट्रिंग लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसका नाम देंगे एरे एडेप्टर इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर, ये हो गया इनिशियलाइज। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखना होगा, तो हम लोग स्ट्रिंग लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ये लिस्ट व्यू का कौन सा, मतलब ये लिस्ट व्यू में कौन सा डिजाइन में शो होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत सारे डिजाइन पहले से हम लोगों को दे देता है, ताकि दोस्तों हमको अलग से लेआउट नहीं बनाना चाहे नहीं बनाना पड़े। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कोई लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एंड्रॉयड जो मैं लिख रहा हूँ आप लिख दें आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1 रख दें, आइटम 2 भी रख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं डॉट, यहाँ पे कॉमा आएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम पास कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम यहाँ पे हो गया, मतलब ये एंड्रॉयड के एरे में जावा का एरे सेट हो गया, इस तरीके से आप आराम से समझे। उसके बाद लिस्ट व्यू में भी हमको सेट करना पड़ेगा ना, तो इस लिस्ट व्यू का नाम क्या रखे थे हम दोस्तों, माई लिस्ट व्यू। तो माई लिस्ट व्यू को हम लोग यहाँ पे सिंपल है माई लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एरे एडेप्टर, ये जो नाम रखे थे हम लोगों को यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, ये इसमें सेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मेरा मोबाइल कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ग्रेडल भी फिनिश हो चुका है, अब हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मैंने मोबाइल को भी ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा लिस्ट में शो हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये कितना ठीक दिख रहा है। इस तरीके का जो आइटम रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यूट्यूब में कॉमेंट वगैरह रहता है, तो ये लिस्ट व्यू में ही शो किया जाता है। इस तरीके से जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा ये आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ दोस्तों एक बार ये टोटल को कॉपी करके चार पांच बार पेस्ट कर देता हूँ, ये आप देखिएगा दोस्तों ये कितना बड़ा लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने 4-5 बार सेव कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को फिर से ये रन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये इंस्टॉल होने लगा है। तो आप देखिएगा दोस्तों ये कितना बड़ा लिस्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। इसको हम लोगों को पहले से क्लोज करना होगा, ये एक ही वही वाला शो कर रहा है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग
कहाँ गया वो लिस्ट व्यू वाला एप्लीकेशन। हाँ तो लिस्ट व्यू ऐप है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम दोस्तों लिस्ट व्यू काम करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि लिस्ट व्यू आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसके इस पर क्लिक लिसनर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्लिक लिसनर, डायरेक्ट लिस्ट व्यू पे ही क्लिक लिसनर लगा दें। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लिस्ट व्यू पे, लिस्ट व्यू का नाम हमारा क्या है, जैसे लिस्ट व्यू माई लिस्ट व्यू, जैसे यहाँ पे लिखना माई लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर लिखना, क्योंकि दोस्तों हमारे लिस्ट व्यू में बहुत सारे आइटम है ना, इसलिए हम लोगों को सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडेप्टर व्यू डॉट आइटम सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हर लिस्ट व्यू का आइटम का नाम का शो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग मैसेज MSG टाइप कर देते हैं, MSG इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू देते हैं हेलो लिख देते हैं, HELLO हेलो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस देंगे पोजीशन, पोजीशन कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे आया पोजीशन, हर लिस्ट व्यू का पोजीशन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को प्लस देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक टेस्ट व्यू इनिशियलाइज करना होगा। तो टेस्ट व्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे टेस्ट व्यू, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू, इसको इस तरीके से हम लोगों को करना होगा जिस तरीके से व्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ से हमारा लिस्ट व्यू से जो भी टेस्ट रहेगा, जो भी आइटम रहेगा, उससे हमारा टेस्ट निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हम लोग एक टोस्ट मैसेज प्रिंट कर देते हैं, टोस्ट, तो यहाँ पे टोस्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये लिखा जाएगा। यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट को हटाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग का मैसेज प्रिंट कर देते हैं MSG, बस सिंपल। अब दोस्तों जो भी आइटम पे क्लिक होगा उसका नाम शो करेगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अब इसमें, अब दोस्तों हम लोगों को प्रिंट करना होगा। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, सॉरी प्रिंट बोल दिया मैंने, तो इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रन हो चुका है दोस्तों, हम लोग कोई सा भी नाम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं अपना नाम पे, तो यहाँ पे हेलो पोजिशन सेट पोजिशन हमको दिख रहा है। अगर आपको पोजिशन नहीं चाहिए तो यहाँ से आप पोजिशन हटा दें, जैसे मैं यहाँ से पोजिशन हटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छी दिखे, फिर से हम लोग रन कर देते हैं, टर्मिनेटेड, ये हमारा एप्लीकेशन क्लोज होगा, उसके बाद यहाँ से रन हो जाएगा। तो इस बार देखिएगा दोस्तों कितना खूबसूरत, जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हेलो राम, जिस पर क्लिक करूँगा उसी का नाम यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्लिक लिसनर लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको लिस्ट व्यू समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसाइकल व्यू क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऐप में, और उसके बाद दोस्तों और भी एंड्रॉयड के बारे में टॉपिक देखते रहेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।